आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्किबिडी मल्टीवर्स के बारे में जहां सब कुछ उल्टा चल रहा है और इस मल्टीवर्स को क्रिएट करा है नो स्किल क्लच ने। कहानी शुरू होती है एपिसोड 1 से, जहां एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे कैमरा टॉयलेट्स शांति से अपना समय बिता रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर आता है एक स्किबिडी मैन और कैमरा टॉयलेट पर हमला कर देता है, जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं सभी टॉयलेट्स टेंशन में है कि आखिर चल क्या रहा है, और दूसरी तरफ स्किबिडी मैन की आर्मी बढ़ती ही जा रही है। तभी एक स्किबिडी मैन कर कैमरा टॉयलेट को फ्लश कर देता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं टीवी वुमन टॉयलेट को, जो कि दो और कैमरा टॉयलेट के साथ मिलकर एक स्किबिडी मैन से उसके प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब टॉयलेट्स को पसंद नहीं आता और बदले में इसे रोस्ट कर दिया जाता है, जहां इसके गर्दन से हमें कुछ बिजली सी नजर आती है। यानी ये स्किबिडी मैन एक्चुअली रोबोट्स हैं। जिसके बाद टीवी वुमन टॉयलेट एज यूजुअल अपना क्यूट सा उवू करती है। फिर एपिसोड 4 में हमें एक बिल्डिंग की छत का नजारा दिखाया जाता है और लेफ्ट साइड में हमें कुछ स्किबिडी टॉयलेट्स दिखाते हैं, जो कि शायद इस यूनिवर्स के नहीं हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। तभी राइट साइड होते हैं दो स्किबिडी मैन, जो कि दो कैमरा टॉयलेट को फ्लश करके POV कैमरा टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टीवी वुमन टॉयलेट उनका सर्किट फ्राई कर देती है। तभी पीछे से आता है टाइटन जी मैन, जिसको हम जी टाइटन बोलेंगे, और ये आते ही अपना फालतू का स्किबिडी बोपड़ी करता है और POV कैमरा टॉयलेट को लेजर से उड़ा देता है। एपिसोड 5 में कैमरा टॉयलेट्स और ये स्किबिडी टॉयलेट दोनों ही स्किबिडी आर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं एक स्किबिडी टाइटन को, जिसको हैंडल करने के लिए टाइटन कैमरा टॉयलेट आ जाता है और 2-3 गोलियां मार के स्किबिडी टाइटन को उसकी औकात दिखा देता है। एपिसोड 6 में एक चर्च दिखाया जाता है, जहां एक होली स्किबिडी अपना स्किबिडी बोपड़ी कर रहा होता है, बट तभी वहां साइड से दो कैमरा टॉयलेट आकर सारे स्किबिडी को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। होली स्किबिडी अपने कैमरा टॉयलेट पर हमला करता है, लेकिन बीच रस्ते में ही एक लाइट की वजह से फ्रीज हो जाता है। पीछे मुड़ने पर पता चलता है कि वो लाइट एक टीवी टॉयलेट ने इमिट करी थी। अगले एपिसोड में टाइटन कैमरा टॉयलेट हर जगह स्किबिडी का सफाया कर रहा है और कुछ स्किबिडी POV कैमरा टॉयलेट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीवी टॉयलेट की लाइट से कैसे बचेंगे ये स्किबिडी। अनफॉर्चुनेटली एक स्किबिडी ऊपर से आकर टीवी टॉयलेट को फ्लश कर देता है और कैमरा टॉयलेट पर हमला कर देता है, बट अचानक से उसे कोई मुक्का मार के रोक देता है। ये है कैमरामैन हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स का, जो कि शायद यहां गलती से पहुंच गया। एपिसोड 8 में मारपीट से शुरुआत होती है, जहां ये कैमरामैन जी टॉयलेट के बारे में पूछता है, लेकिन इस यूनिवर्स में जी टॉयलेट अब तक आया ही नहीं, इसीलिए कैमरा टॉयलेट मना कर देते हैं। तभी पीछे एक स्किबिडी मैन ज्यादा चौड़ा हो रहा होता है, इससे पहले कि वो और चौड़ा होता एक सोनिक बूम होता है। राइट साइड होती है स्पीकर टॉयलेट्स की आर्मी। एपिसोड 9 में कैमरामैन मजे से पॉपकॉर्न खा रहा होता है और स्किबिडी आर्मी को ल्यूर करके एक जगह लाया जाता है, जहां स्पीकर टॉयलेट आर्मी अपना जलवा दिखाएंगी। एक सोनिक बूम और सारे स्किबिडी चित, बट तभी स्पीकर को कोई मार देता है और ये है स्किबिडी चोर, आते ही हमला चालू। अगले एपिसोड में कैमरा टीम छुपकर सब कुछ देख रही है और दूसरी तरफ स्किबिडी चोर तबाही मचा रहा है। तभी एक स्किबिडी इन्हें ढूंढ लेता है और कैमरा टॉयलेट को मार के दूर फेंक देता है। स्किबिडी चोर इसे भी उड़ाने वाला होता है, लेकिन तभी जी टाइटन आ जाता है। ये दोनों आपस में स्किबिडी बोपड़ी करते हैं और जी टाइटन कैमरा टॉयलेट पर लेजर से हमला कर देता है। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है एक स्पाई मिशन से। कैमरा टॉयलेट स्किबिडी बेस में चुपके से घुस जाता है और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन तभी गेट खुलता है और कैमरामैन दोनों हाथ ऊपर करके अंदर आता है और पीछे होता है एक बंदूक लिया हुआ स्किबिडी मैन। ये दोनों पकड़े जाते हैं और आखिर में हमें साइंटिस्ट स्किबिडी दिखता है। एपिसोड 12 में हालत बहुत बुरी है, स्किबिडी आर्मी सभी टॉयलेट्स को मारते ही जा रही है और स्किबिडी चोर के निशाने पर है POV कैमरा टॉयलेट, लेकिन सही समय पर एंट्री होती है टाइटन स्पीकर टॉयलेट की। फाइनली दर्शन हो ही गए, एक दो गोलियों में ही स्किबिडी ढेर हो जाता है, वो भी बहुत आसानी से। एपिसोड 13 में एक स्किबिडी को लग रहा था वो अकेला ही काफी है, बट नेवर माइंड, टॉयलेट्स ने औकात दिखा दी इसे। फिर दिखाते हैं एक मिलिट्री स्किबिडी को, जो अपनी बगुले जैसी गर्दन को लंबा करके हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी टाइटन कैमरा टॉयलेट आकर उसे रोक देता है और थोड़ी बहुत दिशुम के बाद ये स्किबिडी भी धूल चाट लेता है। टाइटन स्पीकर टॉयलेट भी जो है साथ में मदद करने के लिए। अगले एपिसोड में फाइनली पासा थोड़ा सा पलटा और अब स्किबिडी आर्मी अपनी टॉयलेट आर्मी से डरकर भाग रही है। पीछे टाइटन कैमरा टॉयलेट थोड़ा सा ठहरता ही है कि उसे एक बड़ा स्किबिडी लात मार देता है। ऑब्वियसली जी टाइटन के अलावा और कौन करेगा इतनी हिम्मत। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ये स्किबिडी एक ही झटके में टाइटन कैमरा टॉयलेट को नीचे पटक देता है। वेल, देखने से लगता है कि कैमरा टाइटन को काफी डैमेज आया है, जिसके बाद ये चोमू स्किबिडी बोपड़ी करते हुए कैमरा टॉयलेट पर लेजर मार देता है। एपिसोड 15
में POV कैमरा टॉयलेट स्किबिडी आर्मी की एक फैसिलिटी में कैद होता है और साइंटिस्ट स्किबिडी अंदर आता है और दूसरे कैमरा टॉयलेट पर एक पैरासाइट डाल देता है, जिसके बाद वो टॉयलेट म्यूटेट होकर एक म्यूटेंट कैमरा टॉयलेट बन जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है टॉयलेट्स को जीतते हुए दिखाकर। वो स्किबिडी को अच्छे से पीट रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है म्यूटेंट्स की और बाकी स्किबिडी आर्मी की, जिनके पास अब जेट पैक्स भी आ चुके हैं। अगले एपिसोड में जंग छिड़ चुकी है और POV कैमरा टॉयलेट छुप छुप के बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई इसके सामने आ जाता है। हमें लगता है कि ये म्यूटेंट है, लेकिन ये कैमरामैन होता है और अब ये स्किबिडी की टीम में होने की एक्टिंग कर रहा है। टॉयलेट के पीछे मौजूद स्किबिडी को मार के ये टॉयलेट को छुपने को कहता है। तभी बगल से टाइटन स्पीकर टॉयलेट उड़ते हुए जाता है और जल्दी से टॉयलेट छुप जाता है। एक स्किबिडी कैमरामैन के पास आता है और अंगूठा दिखाकर दोनों उड़ जाते हैं, जिसके बाद टाइटन स्पीकर टॉयलेट वापस आता है POV कैमरा टॉयलेट को देखने। एपिसोड 18 में भी तगड़ी जंग चालू है और फिर आता है टाइटन स्पीकर टॉयलेट और जायंट स्किबिडी के बीच होने वाली लड़ाई का मोमेंट, जहां टॉयलेट आसानी से इस स्किबिडी को हरा देता है। लेकिन तभी पीछे से दो पैरासाइट इसके ऊपर कूदते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टॉयलेट पर गिरते, अपना कैमरामैन ऐसा होने से रोक देता है। टाइटन स्पीकर टॉयलेट थैंक्स बोलकर निकल पड़ता है, लेकिन कैमरा टॉयलेट के पास कुछ कैमरामैन टेलीपोर्ट होकर आते हैं और कैनन इवेंट के डिसरप्ट होने की वार्निंग दिखाते हैं, यानी यहाँ पर उन पैरासाइट्स को रोकना नहीं था। अब कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। एपिसोड 19 की शुरुआत होती है एक स्किबिडी को ठिकाने लगाने से, लेकिन कैनन इवेंट तो अभी भी सही नहीं होगा। तभी यहाँ आता है जी टाइटन और थोड़ी देर बाद आता है जी टॉयलेट और दोनों किसी बात को अग्री करके या एक दूसरे को हेलो बोल के ये जी टॉयलेट कैमरा टॉयलेट को लेजर मार देता है। एपिसोड 20 में जी टॉयलेट अपनी एक पंचायत बना के बैठा है और दोनों जी चोमू एक दूसरे से स्किबिडी बोपड़ी कर रहे हैं। तभी इनकी पंचायत पर हमला करता है टाइटन स्पीकर टॉयलेट और इन दोनों टॉयलेट्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइटन स्पीकर टॉयलेट जीत ही रहा होता है, लेकिन ये दूसरा चोमू बंदरों की तरह लड़ाई के बीच में घुस के लड़ाई को अनफेयर बना देता है। बेचारा टाइटन स्पीकर टॉयलेट काफी डैमेज हो जाता है और तभी पीछे टेलीपोर्ट होता है टाइटन कैमरामैन 2099 और ये आते ही लिटरली इन दोनों चोमू को फेंक फेंक कर पटक पटक कर मारता है। इतना मारता है कि ये दोनों चोमू गीदड़ की तरह अपनी जान बचा के भागते हैं। एपिसोड 21 में स्किबिडी मैन और स्किबिडी टॉयलेट दोनों मिलके सारी जगह तबाही मचा रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टाइटन कैमरामैन 2099 आ चुका है। लेकिन साथ आते हैं ओरिजिनल यूनिवर्स के अलायंस मेंबर्स, जो कैनन इवेंट खराब होने की वार्निंग देते हैं। अब तक और भी ज्यादा स्किबिडी आने लगते हैं तो ओरिजिनल यूनिवर्स का टीवी मैन अलायंस को एक सीक्रेट फैसिलिटी में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां हमें ओरिजिनल टाइटन कैमरामैन देखने को मिलता है। एपिसोड 22 में स्किबिडी आर्मी को ल्यूर करके जायंट टीवी टॉयलेट की स्क्रीन लाइट से मरने को लाते हैं, बट पहले कैमरा टॉयलेट के लेंस तो लगाओ। एक जोरदार फ्लैश और सारे स्किबिडी स्टन हो जाते हैं, जिसके बाद पीछे से एक कैमरा टॉयलेट इनके ऊपर रॉकेट ब्लास्ट कर देता है। तभी पीछे से एक और स्किबिडी आता है जिसके मल्टीपल मेटेलिक आर्म्स होते हैं और ये इस टॉयलेट को मार देता है। फिर फाइनली एंट्री होती है टाइटन टीवी टॉयलेट की, जो कि आते ही सबसे पहले कोर बीम से हमला करता है और फिर ड्रोन स्क्रीन से स्किबिडी को औकात दिखा देता है एंड फाइनली अपना वही क्यूट सा इमोजी फेस बनाता है। अगले एपिसोड में सिचुएशन स्टार्टिंग में तो सही लगती है, लेकिन तभी मूड बिगाड़ने ये चोमू अपने पंटर लेके आ जाता है और टाइटन टीवी टॉयलेट के साथ लड़के उसे काफी डैमेज कर देते हैं। इतना डैमेज कि टाइटन टीवी टॉयलेट को रिट्रीट करना पड़ता है, जिसके बाद आता है एपिसोड 24 पार्ट 1, लेकिन वो मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा जब वो पूरा आ जाएगा। फिलहाल आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, कम ऑन 1000 तो पार करा दो यार। जिन्हें बैकरूम्स की वीडियोस चाहिए उनके लिए तो कंपलसरी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।